ये ग्लास बनाते हो आप, ये इसके ऊपर ढक्कन बनाते हो आप, ये पंखा बनाते हो आप, ये माइक बनाते हो आप, ये कागज बनाते हो, जो भी बनाते हो आप, ये बताइए, ये जो भी आप बनाते हैं, ये आप दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको बेचने की छूट है कि नहीं है? छूट है कि नहीं है? फिर किसान बेचारा अगर आलू उगाता है, अगर वो कोई सब्जी उगाता है, अगर वो चावल उगाता है, यानी और गेहूं उगाता है, मक्का उगाता है, तो उसके ऊपर ये बंदिश क्यों है कि वो फलानी मंडी में ही अपना अनाज बेचेगा और किसी और जगह नहीं बेच सकेगा? वो ये बंदिश किसानों पर क्यों थी? ये सच्चाई है कि नहीं है कि आपके 100-150 गांव के बीच में जो अनाज मंडी है उसी में आपका सामान बिकेगा और कहीं और नहीं बिकेगा? यह सच्चाई है कि नहीं है? ऐसा क्यों? मोदी जी ने कहा कि आप उस अनाज मंडी में बेचना चाहो बेचो, लेकिन अगर आप उस अनाज मंडी में नहीं बेचना चाहते हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप दुनिया के किसी भी बाजार में बेच सकते हो, यह काम आपको दिया गया। यानी किसान को पहली बार आजाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप बताइए, आपका सामान गुड़गांव के आसपास का किसान क्या फरीदाबाद मार्केट में बेच सकता है? क्या फरीदाबाद का किसान क्या गुड़गांव के मार्केट में बेच सकता है? आप बताइए, एक जिले से दूसरे जिले में अपना अनाज ले जा सकते हो तुम? क्या रुकावट होती है कि नहीं होती है? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जा सकते हो क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अब तो किसान भाई तुम अपनी मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई जिला का बंदिश नहीं है, कोई प्रदेश की बंदिश नहीं है, कहीं भी तुम अपना सामान बेच सकते हो। ये आजादी दी तो मोदी जी ने दी है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, समझो आप। पंजाब में तो किसान की चार्जी मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना किस पंजाब। और चुप साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो? यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया, इसको हमको समझना चाहिए। यह है आजादी।